बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले तो आप सब लोगों को आपके सर की तरफ से प्यार भरा सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव स्टार्टेड आवर बुक नंबर वन द फेरी क्वीन एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल कैंटोस इन दिस बुक सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैंटो नंबर इलेवन और कैंटो नंबर ट्वेल्व की क्या स्टोरी है सो so, ये हमारी बुक जो है वो इसके लास्ट कैंटोस होंगे और इसके साथ ही हमारी जो फे वेरी क्वीन है बुक वन वो खत्म हो जाएगी सो so, अपने लास्ट कैंटो की जो वीडियो थी उस तक मैंने जो है वो चीज जो चीजें डिस्कस की थी आप लोगों के साथ वो ये है कि लास्ट स्टें अपने लास्ट टेंजा में ये जो है वो ऊना रेड क्रॉस को हाउस ऑफ होलीनेस में लेके जाती है जहां पे उसको बॉडीली ओल्ड स्पिरिचुअली दोनों तरह से रिकवर किया जाता है क्योंकि रेड क्रॉस जो है वो बहुत ज्यादा शदीत जो है वो कह लें कि जख्मी हो जाता है और स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और इनरली भी बहुत ज्यादा वीक हो जाता है सो so, जिस तरह से सेवन डेडली सिंध थे जिसने उसको करप्ट बना दिया था उसी तरह से ये हाउस ऑफ होलीनेस भी था जिसमें जाके वो रिकवर हुआ ठीक है उसके बाद उसकी जो मुलाकात थी वो कंटेम्पलेशन से भी हुई जिसने उसको बहुत ज्यादा होप दी ठीक है और उसको उसका फ्यूचर भी दिखाया और बाकी चीजें भी बताई अब जो है वो रिकवर होने के बाद ऊना और रेडक्रॉस ये दोनों अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचते हैं ठीक है जहां पे एक बहुत ज्यादा डेंजरस ड्रैगन है और उसने फेरीलैंड की जो लैंड है उसपे कब्जा कर रखा है जहां पे ऊना के फादर और मदर ठीक है ये दोनों उनका जो है वो कैसल है उस पर कब्जा कर लिया हुआ है और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो सारे डर के मारे जो है वो अपनी जो है वो जो वहां पे केव्स है वहां पे घुस गए हैं और अपने घरों में कैद हो गए होके रह गए हैं ये ड्रैगन ने बहुत ज्यादा हरास फैला के रखा है और इसी का टास्क जो है वो क्वीन ग्लोरियाना की तरफ से इसको दिया गया था कि उसने इस लैंड को लिबरेट करवाना है सो ऊना उसको लेके अपने नेटिव लैंड पे पहुंच चुकी है जहां पे वो उस टेरिबल ड्रैगन की जो धाड़े हैं जो रोरिंग है उसकी उसको सुनते हैं ठीक है जब वो धाड़ा होता है ऊना और जो रेड क्रॉस है उसका अब सामना जो है, वो उस, उस से जो है वो होता है है वो वो उस उस डेंजरस से होता यहाँ पे उसके फिजिकल फीचर की भी बात की गई है कि उसके फिजिकल फीचर्स में उसकी काफी लंबी जो है वो टेल है और बहुत शार्प रेजर्स जो है ठीक है लंबे लंबे कील जो है और वो बहुत ज्यादा तेज है उसकी पूछ पे लगे हुए हैं उसकी जो टेल है उस पे लगे हुए हैं जो किसी भी मेटल से ज्यादा ठीक है, है जैसे अक्सर हम कार्टून्स में जो है वो देखते हैं तो सेम उसी शेप का जो है वो ये भी ड्रैगन दिखाया गया है हमें ठीक है और अब उस ड्रैगन में और जो हमारा हीरो है रेड क्रॉस उसमें लड़ाई जो है वो शुरू हो जाती है ठीक है और ये जो स्केल्स हैं उसके मतलब ये जो उसके जो है वो विंग्स बने हुए हैं ड्रैगन के वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी दुश्मन से बचाने के लिए सो रेड क्रॉस जो है वो अपने घोड़े पे सवार है और उस पर अटैक कर देता है लेकिन उसके जो क्लास है उस वो जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं वो ड्रैगन को नहीं मार पाता ठीक है इनकी लड़ाई जो है वो मुसलसल तीन दिन तक चलती रहती है लेकिन तीसरे दिन जाकर जो रेड क्रॉस है वो ड्रैगन को मारने में कामयाब होता है So, अब इनकी लड़ाई जो है वो जारी है बार बार जो है वो क्रॉस उस पे जो है वो हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको मार नहीं पाता उसके विंग्स जो है वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं रेड क्रॉस काफी जहमी भी हो जाता है और जहमी होके जो है वो घिर जाता है एक कुएं में ठीक है लेकिन इससे पहले जो है वो क्रॉस उस ड्रैगन को जख्मी करने में कामयाब हो जाता है लेकिन वो जो ड्रैगन है वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रेड क्रॉस को उसके घोड़े से नीचे गिरा देता है 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 अब जब रेड क्रॉस जो 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 वो नीचे गिरता ठीक है, है? उसकी आर्मर जो है, और उसका जो ब्लेड है जिसके साथ वो लड़ रहा है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं लड़ाई कर करके ठीक है इतने ज्यादा गर्म हो जाते हैं कि उससे उसका ब्लेड भी जो है वो पकड़ा नहीं जाता ठीक है सो so, जब रेड क्रॉस एक, जो है वो फिर कहने के एक कुएं में गिर जाता है घायल होके जख्मी होके एक कुएं में गिरता है लेकिन लकीली वो जो कुआं है वो वेल ऑफ लाइफ है ठीक है वो मैजिकल पावर वाला जो है वो कहने के वेल होता है जहां पे उसके बोन्ड्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी रिकवर करते हैं बहुत जल्दी जो है वो हील हो जाते हैं ठीक है सो लकीली जो है वो रेड क्रॉस जो है वो बच जाता है लेकिन यहाँ पे ऊना जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि शायद उसका जो हीरो है रेड क्रॉस वो मर चुका है ठीक है या वो जो है वो अब कभी वापस नहीं आएगा और वो जो ड्रैगन है वो भी यही सोचता है कि अब वो जो है वो जीत चुका है ठीक है और रेड क्रॉस जो है उसको उसने मार के कुएं में फेंक दिया है लेकिन नेक्स्ट ही मॉर्निंग रेड क्रॉस जो है वो दोबारा फिर जो है वो हाजिर हो जाता है ठीक है अब वो उस मेजिकल पावर वाला जो कुआं होता है वहां से रिकवर हो गया है और उसका जो ब्लेड है उसकी जो तलवार है उसमें भी जो है वो और ज्यादा कह लेके स्ट्रॉन्ग हो गई है ठीक है वो पावर्स लेके आया है उसके बोन्स जो है वो सही हो गए हैं जो बीस के साथ लड़ते हुए उसने जो है वो उसको आए थे अब जो सेकंड डे का सेकंड डे की फाइट होती है उसमें भी रेड क्रॉस जो है वो उसको काफी ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाता है बीसट को लेकिन फिर जो है रेड क्रॉस जो है वो अपने शोल्डर उसके शोल्डर पे चोट लगती है वहां पर जख्मी हो जाता है ठीक है और उसकी जो वो जो ड्रैगन होता है वो उसकी जो शील्ड है ठीक है उसके जो कहने के वो उससे उसके पंजे से छुड़वाने की कोशिश करता है जो उसकी सेक्रेट शील्ड है जिसको मैजिकल पावर्स मिली थी उस कुएं में घिरने के बाद लेकिन उसको जो है वो छुड़वा नहीं पाता खैर दूसरे दिन फिर जो है वो रेड क्रॉस जो है वो उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है और वो जो है वो फिर कहने की एक कीचड़ कि वाली जो जमीन होती है एक दलदल होती है वहां पे गिरता है वहां पे भी एक सेक्योर ट्री है वहां पे भी लकीली वो बन, बच जाता है और ये सेक्रेट ट्री जो होता है वो भी उसको जो है वो उसी तरह जैसे कुएं से उसको मैजिकल पावर्स मिली थी उसी तरह जो है ये ट्री भी उसको रिकवर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है और उसके जो जख्म है उसके जो वोंड्स हैं वो भी बहुत जल्दी से रिकवर हो जाते हैं खैर जो तीसरा दिन होता है जब वो उस ए, इस ट्री इस कीचड़ या इस दलदल से रिकवर होके बाहर निकलता है तो तीसरे दिन जो है वो फिर ए, कहने की वो इमर्ज होता है जिसको देख के जो ड्रैगन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि ये अभी तक जिंदा क्यों है ठीक है सो so, ड्रैगन जो है वो बेंड होता है अपना मुंह खोलता है कि इसको पूरे का पूरा जो है वो निगल ले खैर रेड क्रॉस के पास यहाँ पे बहुत अच्छा मौका होता है रेड क्रॉस अपनी जो शील्ड होती है जो उसकी स्वर्ड है तलवार है वो उसको उसके गले में जो है वो दंस देता है ठीक है उसके गले में मारता है और वो जो है वो ड्रैगन जो है उसकी मौत हो जाती है और वो ऐसे ही देता है जैसे किसी बहुत जो है वो ऊंची जगह से या हैवन से कोई पहाड़ जो है वो जमीन के ऊपर घिरता है ठीक है सो इसी के साथ जो है वो उसकी मौत हो जाती है अब ऊना जो है वो अपने फादर और मदर से मिलती है जो इस लैंड के जो किंग और क्वीन है और वो सब लोग जो है वो रेड क्रॉस को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहते हैं जितने भी लोग अपने महीनों से अपनी अपनी जो है वो हाइडिंग्स में छुपे हुए थे या अपने अपने गारों में छुपे हुए थे वो अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और एक सेलिब्रेशन वाला माहौल जो है वो शुरू हो जाता है वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो म्यूजिक बजाया जाता है परेड की जाती है रेड क्रॉस को जो है वो ट्रिब्यूट दिया जाता है इस पर रेड क्रॉस को बहुत से जो है वो गिफ्ट दिए जाते हैं तोहफे तहफ जो है वो सारे लोग जो है वो उसको देते हैं ठीक है अब जो है वो फिर सारे इसी चीज पे जो है वो मुतफिक होते हैं कि रेड क्रॉस और ऊना इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए लेकिन रेड क्रॉस वहां पे अनाउंस करता है कि वो अभी छह साल तक ऊना के साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि एक एक फेरी क्वीन के लिए जो है वो अभी एक और जंग जो है है वो करनी है और एक और मिशन पे जो है वो जाना है एक प्राउड किंग है उसको उसने शिकस्त देनी है सो ऊना का ऊना के जो फादर होते हैं वो यहाँ पे एग्री हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं तुम छह साल के बाद आके जो है वो शादी कर लेना लेकिन इंगेजमेंट जो है वो अभी होगी इंगेजमेंट इन दोनों की हो जाती है और ठीक उसी वक्त जब इनकी इंगेजमेंट हो रही होती है वहां है, है अब ये जो है, वो आर्ची मागो है जो एक दफा फिर कहने कि उसको धोखा देने के लिए आया है ठीक है अपना भेस बदल के एक मैसेंजर की शक्ल में आता है और कहता है कि ये जो क्रॉस है इसकी शादी तो एक ए, जो एक औरत से जो है वो हो चुकी है ये ऑलरेडी इंगेज है ठीक है और उसका नाम जो है वो उस औरत का नाम जो है वो ड्यूसा है ठीक है जिसके साथ जो है वो जो ड्यूसा हमने अपने लास्ट कैंटो में डिस्कस किया था कि ड्यूसा कौन है इसके बारे में भी काफी डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है जो एक विच है और वो कहता है कि इसकी तो शादी जो है वो हो चुकी है ये तो इंगेज है ऑलरेडी फिर जो रेड क्रॉस है वो ए, अपनी जो है वो एक्सप्लेनेशन देता है ऊना के फादर को कि असल में जो है वो बेसिकली बात ये थी कि वो जो लड़की थी वो एक कहने के फडीसा नाम का उसने जो है वो रूप लेके के फडीसा के नाम से जो है वो उसको चीट किया ठीक है उस पर विच क्राफ्ट कर दिया और उसका उसको अपना दीवाना बना लिया लेकिन सच ये है कि वो एक जो है वो कहने के फ्रॉड औरत थी ठीक है और एक जो है वो कह लें कि यू कैन से दैट कि वो एक विच थी ठीक है जिसकी हकीकत खुल चुकी है अब सो खैर ऊना भी जो है वो उसको कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही था कि इसको जो है वो धोखा दिया गया था खैर ये जो है वो उस, उसका कहने के जो आर्चिमागो होता है उसका फिर जो जो मैजिकल पावर्स होती हैं वो थोड़ी सी वीक पड़ जाती हैं ठीक है उसका जादू जो है वो अब काम नहीं उन पर चला पाता सो खैर वो जो है वो वहां से चला जाता है और ये सेलिब्रेशन जो है वो इसी तरह से चलती रहती हैं ठीक है और अब रेड क्रॉस जो है वो छह साल के बाद आएगा और ऊना से शादी करेगा सो so, अभी जो है वो इस इसकी इंगेजमेंट की सारी तकरीबा जो है वो चल रही होती हैं लेकिन अब रेस्ट रेड क्रॉस को जो है वो अपने अगले मिशन पे जाना है सो so, उसको अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी करनी है अपना प्रॉमिस पूरा करना है उसकी किस्मत में यही लिखा हुआ है कि वो छह साल के बाद अब आएगा और फिर ऊना से आके शादी करेगा वो अपनी ड्यूटीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकता सो so, यहीं पे आपकी स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है फेरी क्वीन की इनशाला अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी असाइनमेंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए रखिएगा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें इन आने वाले दिनों में आपको इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो आपके साथ शेयर की की जाती रहेंगी तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़